अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एमयू ने जो है अपने रिज़ल्ट काफ़ी डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है। हर फैकल्टी में हर जो है आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और काउंसलिंग के भी शेड्यूल आना शुरू हो गए। बात करें अगर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में, तो इसमें आपका जो है बीएससी एग्रीकल्चर का रिज़ल्ट आ गया। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आपका बीकॉम का रिज़ल्ट आ गया था दो दिन पहले। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में आपका इसमें काफ़ी रिज़ल्ट आ गए हैं, जैसे कि बीटेक, बीआर्क और एमटेक, इन सब के रिज़ल्ट आ चुके हैं। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में आपका जो है यहाँ पे एमएससी और बीएससी का रिज़ल्ट आया है। फैकल्टी ऑफ लॉ में आपका बीएलबी का रिज़ल्ट आया है। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में बीए फॉरेन लैंग्वेज, इसका आज ही रिज़ल्ट आया है आपका। और फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में बीएससी नर्सिंग, इसका बिल्कुल जस्ट अभी रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर किया गया। और इसमें आपका जो फैकल्टी ऑफ साइंस की बात की जाए, तो इसमें आपका एमएससी के रिज़ल्ट आ जाए, जैसे कि एमएससी एमए ज्योग्राफी, एमएससी एमए मैथमेटिक्स, इन सब के रिज़ल्ट जो है आज डिक्लेयर किए गए। उसके बाद इसमें आपके फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में बात की जाए, तो आज एमए मास कम्युनिकेशन, एमए इकोनॉमिक्स, एमए साइकोलॉजी, इन सब के रिज़ल्ट जो है आज डिक्लेयर किए गए। तो ये जितने भी रिज़ल्ट थे ये आज डिक्लेयर किए गए हैं। और इसमें बात अगर काउंसलिंग की बात की जाए, तो आज ही जो है अभी बीएससी नर्सिंग का कुछ ही देर पहले रिज़ल्ट आया है और उसके शेड्यूल भी आज ही अपलोड कर दिया है। ये आपको जो है यहाँ पे कुछ दिखा नहीं जाए, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन पे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और इसका शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो है काउंसलिंग 5 सितंबर से स्टार्ट थी, इस वजह से इसका जल्दी से रिजल्ट निकाल के फ़ौरन ही इसके साथ में काउंसलिंग भी इन्होंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है वेबसाइट पे, यहाँ पे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में यहाँ पे न्यू दिखा रहा है और इस टाइप का कुछ बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में ऐसा कुछ भी शो नहीं कर रहा है न्यू, लेकिन यहाँ पे लिस्ट जो है अपलोड कर दी गई है शेड्यूल की। इसमें आपका जो है भी सीनियर सेकेंडरी जो क्लास 11th का है उसका शेड्यूल अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो है आपको इसमें वेटिंग कितनी क्लियर हो सकती है बीएससी और बीएलएलबी की, गर्ल्स एंड बॉयज़ की, इसमें ये बताएंगे कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर होती है, 2000 पहले कितनी क्लियर हुई थी और इस साल कितनी होने क्लियर होने के चांसेस हैं। इसमें आपका क्लास 11 का जैसे ही शेड्यूल आएगा आपको इसी चैनल पर अपलोड बता दिया जाएगा वीडियो के थ्रू कि आपका जो है शेड्यूल आ चुका है, तो इस चैनल से कनेक्ट रहेगा। और भी किसी की चीज़ का अगर शेड्यूल आता है काउंसलिंग का तो आपको बता दिया जाएगा, जैसे कि आज फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में आपका बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल आया है। और किसी का भी अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो सबका ही मना कर रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही चीज़ों का अभी शेड्यूल आया है और किसी का शेड्यूल नहीं आया। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपकी गर्ल्स की वेटिंग बताते हैं, बीएससी गर्ल्स की कितनी वेटिंग जो है क्लियर हो सकती है। तो जनरल वेटिंग जो 2020 में क्लियर हुई थी आपकी वो 593 हुई थी। ये जितना भी डाटा होगा ये 2020 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि उसमें भी आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, तो इस बार भी इतनी ही चांसेस हैं कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग में इतनी वेटिंग क्लियर होगी। तो इस बार 590 या फिर 600 तक आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी गर्ल्स की जनरल वेटिंग। उसके बाद सी वेटिंग की बात की जाए तो 111 क्लियर हुई थी 2022 में, और इस बार जो है आपकी 110 तक उम्मीद है कि आपकी क्लियर हो जाएगी। जिसकी भी इतनी वेटिंग आ रही है वो एमयू के लिए वेट कर सकता है। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें आपकी 8 वेटिंग क्लियर हुई थी 2020 में, तो इस बार भी आपकी 10 वेटिंग तक क्लियर इसमें होने के चांसेस हैं। तो जिसकी भी 10 वेटिंग आ रही है वो अपने गर्ल्स में रुक सकता है एमयू के लिए। उसके बाद अगर बीएससी बॉयज़ की बात की जाए तो इसमें आपकी जनरल वेटिंग ज़्यादा क्लियर होती है, तो 907 क्लियर हुई थी एग्जैक्ट वेटिंग 2020 में, तो 2022 में भी आपके 900 या फिर 910 तक वेटिंग इसमें क्लियर होने के चांसेस हैं। उसके बाद सीए वेटिंग की बात की जाए सीए कैटेगरी की, तो 232 एग्जैक्ट वेटिंग जो है 2020 में आपकी क्लियर हुई थी, तो इस बार भी आपके 230 तक वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं सीए कैटेगरी में। उसके बाद सी वेटिंग जो है आपकी 72 क्लियर हुई थी, तो इस बार भी 70 के आसपास आपकी क्लियर हो जाएगी सी कैटेगरी में बीएससी बॉयज़ में। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की जाए तो 18 वेटिंग क्लियर हुई थी, यानी 20 तक इस बार भी क्लियर होने के चांसेस हैं। उसके बाद एसटी वेटिंग की बात की जाए तो इसमें आपकी 17 क्लियर हुई थी, तो ये भी 20 के आसपास आपकी इतनी वेटिंग क्लियर हो जाएगी बीएससी में 2022 में। तो ये जितना था आपका ये गर्ल्स एंड बॉयज़ का था। अगर आपको कुछ भी इसमें और डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं बीएलएलबी की, तो बीएलएलबी का आपका जो वेटिंग क्लियर हुई थी जनरल वेटिंग वो 346 वेटिंग जो है 2020 में क्लियर हुई थी, तो इस बार भी 350 तक आपके चांसेस हैं कि जनरल वेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद सीई वेटिंग की बात की जाए तो 77 जो है आपकी 2020 में क्लियर हुई थी, तो इस बार 80 तक चांसेस हैं कि इसमें आपकी
वेटिंग क्लियर हो जाएगी सीई कैटेगरी में। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की जाए तो उसमें आपकी 4 वेटिंग क्लियर हुई थी, तो इस बार भी इतने ही चांसेस हैं, ज़्यादा क्लियर होते नहीं है। एससी में सबसे ज़्यादा कम वेटिंग जो है क्लियर होती है, तो 5 वेटिंग तक आपकी इस बार भी चांसेस है। उसके बाद डीएस वेटिंग जो है आपकी 39 क्लियर हो गई थी, तो इस बार भी 40 की चांसेस हैं कि आपकी 40 तक वेटिंग क्लियर डीएस में हो जाएगी बीएलएलबी में। उसके बाद पीएच वेटिंग जो है आपकी 35 क्लियर हुई थी, तो इस बार भी 40 या 35 के आसपास ही आपकी पीएच कैटेगरी में वेटिंग क्लियर हो जाएगी। ये जितनी भी थी वेटिंग आपको बता दिया है। अगर आप भी किसी भी कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल कैटेगरी में, तो आप जो है अपनी वेटिंग चेक कर सकते हैं इसमें, और जनरल की वेटिंग बता दिया। बात करते हैं काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब बात करें इसमें डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको डॉक्यूमेंट जो है इसमें कोई सा भी कोर्स हो आपका, जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, बीए, बीएलएलबी, बीकॉम, उन सभी में जो है ये आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे कोई से भी कोर्स में आपके अंडर ग्रेजुएट में। इसमें सबसे पहले आपको जो है अपनी क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, और उसके बाद आपको क्लास 12th की मार्कशीट अपनी अपलोड करनी होगी, और इसमें आपको अपने एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, एक सिग्नेचर आपको अपनी अपलोड करनी होगी, और इसमें आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो अपलोड करना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी अगर वो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, इसके अलावा कोई और भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर और भी कोई क्वेश्चन है आपका काउंसलिंग से रिलेटेड, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी वीडियोस जिसमें पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस बताया किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। अभी तक किसी भी कोर्सेज की काउंसलिंग अभी नहीं आई है, जैसे ही काउंसलिंग आती है आपकी तो इसी चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा।